पर बीच में वो भी हो गया था ना शायद, आप बीच में गोडाउन है पूरा दोबारा फिर से बनाया। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और मैं अभी आ चुका हूँ, आज बेसिकली मेरे तीन काम है और जिसमें से एक कैटरिंग है और दो डेकोरेशन के काम है। तो भाई ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, मतलब लेट नहीं हुआ है, टाइम पे ही है, बस जल्दी जल्दी जाना है क्योंकि टाइम कम है हमारे पास डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि एक बजे तक का ही टाइम है। मैं तो फंक्शन इवनिंग का, पर रात मतलब अभी एक दो घंटे में कंप्लीट करके देना है, तो फटाफट हम डेकोरेशन कम्प्लीट करेंगे। तो किराना भी ड्रॉप कर रहे हैं और जब तक बनता रहेगा तब तक हम अपने दूसरे काम निपटा के आता फटाफट। आ चुके हैं भाई, लिफ्ट वगैरह मिल गई। बस यहाँ पर एक ही इशू रहता है कि यहाँ पर सामान वगैरह ना बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है यार, बहुत टाइम लग जाता है। सो टुडेज वेन्यू इज टीडीएस एंड ऑलरेडी यहाँ पर डेकोरेशन हो चुका है। तो यहाँ पर बैकड्रॉप बनना है, बाहर गेट बनना है और सराउंडिंग में कुछ कुछ आर्टिकल्स वगैरह लगना है, बस यही काम है भाई यहाँ पर। सो गाइज ऑलमोस्ट डेकोरेशन डन होने में आ गया है और क्लाइंट वगैरह भी आ गए। वैसे इनका फंक्शन लेट होना था पर आ चुके हैं ये लोग और 7-8 बजे से इनका फंक्शन स्टार्ट होना है। हमारा ये वाला काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वीडियोस बना के मैं शेयर करता हूँ एट दी एंड, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं, द रामेश्वरम है कंपनी का नाम। उस पेज पे भी पूरे डेकोरेशंस की फोटोज़ एंड वीडियोस हैं, इसके अलावा भी जो भी डेकोरेशंस होते हैं उसकी फ़ोटो वीडियोस भी उसी में मिल जाएगी आपको। एंड यहाँ से कंप्लीट करके अब निकलने वाले हम लोग दूसरी साइड के लिए जिसकी प्रिपरेशन चल रही है हम लोग की, तो वहाँ जाना पड़ेगा वहाँ देखने के लिए। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग एंड अभी वीडियो में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, मतलब ये सिर्फ अभी पहली साइट है, अभी इसके अलावा भी 2-3 साइट और होने वाली है, तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक देखने के लिए। अब इसके बाद में केटरिंग और एक और डेकोरेशन की थीम है तो वो भी होने वाली है, तो प्लीज स्टे ट्यून। सो गाइस मैं आ चुका हूँ दूसरी साइड पे और ये वाली साइड केटरिंग की हो रही है, खाना रेडी चल रहा है अपना और यहाँ से निकलना 6 बजे, वहाँ पर कुछ प्रिपरेशन नहीं होनी है तो यहाँ से सब कुछ बन के जाएगा। साथ में एक और डेकोरेशन है जिस पर संकेत जाने वाला, अभी मैं इसको रेडी करवा के निकलेंगे अपन दूसरी साइड पर और ऐसा कुछ अभी चल रहा है काम। कैसे मतलब आपने चालू किससे किया था, तो कितने से किया था आपने? 70 से किया था, 35 आपने लगाए थे, फिर उसी से कमाते बहुत मेहनत करी है। अभी वो तो पापा जी ने भी बहुत मेहनत करी है, क्यों क्या टाइम के लिए। हाँ तो वो धीरे धीरे काम करते करते पर अब जाकर इतना एक कमाल पर वही है ना, टाइम भी कितना हो गया और अब मेरे ख्याल से बीच में वो भी हो गया था ना शायद, आप बीच में गोडाउन है पूरा दोबारा फिर से बनाया, वही है भैया एक एग्जांपल है भाई, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो ना तो पीछे मत हटो। भैया के गोडाउन में एक टाइम पे आग भी लग गई थी, भैया ने स्टार्टिंग इनिशियली भी ऐसे स्टार्ट करी थी कि उनके मतलब उनने किसी से सपोर्ट नहीं लिया, खुद बनाया, उसके बाद में एक बार आग लग गई गोडाउन में, उसके बाद में भी फिर से भैया ने माल बनाया और अभी भी इतना माल रखा हुआ है भाई, बहुत। तो ऐसा होता है भाई, हार्ड वर्किंग इंसान ऐसा होता है। नहीं करता, कोई नहीं करता। तो मतलब वो जो बच गया ना, वो आपको एंट्री बता ना, नीली और वाइट में वो एंट्री, कितने साल 20 साल पुरानी एंट्री है वो हमारे पास, अभी भी चल रही है। हाँ नहीं सही है, एक तो माल रखने पे भी रहता है ना, केयर करने पे भी रहता है, लेबर ऊपर रखना रहता है। हाँ अपन कैसे बचत करना, कैसे लगाना, सही है। नहीं तो पूरे कपड़े का देख रेख, उसको पता है कि कहाँ रखना कैसे, मेरे कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं पीढ़ी के अंदर, अभी आएगा पूरा पीढ़ी निकाल करके साफ करके जमा उसको, सही है ना, करके तो धूप आने जरा। ये है भैया हमारे वर्मा भी है, तो इनकी स्टोरी ऐसी थी, मतलब मैंने सोचा कि मे भी शायद कोई इंस्पायर हो जाए इस चीज़ से कि हार्डवर्किंग इंसान किसी भी तरीके से अपने काम में लगा रहता है और कुछ भी हो जाए, कोई कैसी भी सिचुएशन हो वो उस चीज़ को हैंडल करता है अपने तरीके से, ऐसा नहीं कि स्टेप बैक लेके बैठ जाता है, तो एक इंस्पायरिंग था तो मैंने सोचा स्टोरी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ में। और बाकी हम लोग का खाना रेडी हो चुका है, ये सब पैक वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी, अभी यहाँ से गाड़ी बुलाकर लोड करके अब जाएंगे साइट पर और वहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करके फिर आएंगे और संकेत और बाकी की टीम दूसरे इवेंट में जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा डिवाइड होकर करना पड़ेगा क्योंकि केटरिंग में खड़ा होना पड़ता है भाई, मतलब वहाँ पर देखना पड़ता है काम कैसे चल रहा है। मेरे साथ में आज मैं हूँ और जीतू की जगह पर अमन भाई है
अमन आ रहे हैं आज, अमन और जीतू, जीतू को रिप्लेस करके अमन ले आए। अमन जीतू तो फर्जी है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं। चलो लंच को चलते भाई, मैं बाकी वेटर वगैरह को भी कॉल कर लेता हूँ और चलते हैं। सो गाइस यहाँ का भी काम कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ से लोग जा रहे हैं, और बाकी संकेत का भी डेकोरेशन इनकम्प्लीट है तो वो वहीं कर रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि जो पहला साइट था वहाँ का क्लियरेंस भी शायद मुझे ही करना पड़े, तो अभी यहाँ से क्लियरेंस कर रहे हैं। गाड़ी ऑर्डर कर दी है, गाड़ी आ रही है, मतलब गाड़ी को बोल दिया आने वाली है। तो यहाँ से निकल कर DB मॉल जाना है और वहाँ से कुछ सामान पिक करना है और फिर वापस जाएंगे गोडाउन पे। और ये सारी चीज़ें जितनी भी हुई है ना, क्लीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होने वाली है तो वो करेंगे। बना ही नहीं देता भाई,